शांति। आज 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत, तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बना कर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। यह भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई पर, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है, बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं। तुम मुरझा जाते हो। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा। आत्मा कहती है पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते हैं, अर्थात लेट मारने लगते हैं। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने। श्रृंगार करते हैं, चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पकड़ कर श्रृंगार सारा खल्लास कर देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकार की। तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना यह कोई भी नहीं जानता। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गंवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियां बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाप कहते हैं कि कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध न्यारी है। बाबा छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी। तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं। मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहां देखो वहां बॉम्ब्स ठोक देते हैं। बच्चों को कहां भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है। यह तो जब कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है, संगठन में बल मिलेगा। संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं।
बाप ने समझाया है, सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम है, वह सब हठ योग सिखाते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है, उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य मनुष्यों को सिखला ना सके। विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है, तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, पांच विकारों का संन्यास करना है, फिर युक्ति मिलती है। अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है व इस जन्म में जो पाप किए हैं वह कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ, बाप को याद करना है और चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, उन्होंने फिर दिखाया है। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए, वह तो है सब दंत कथाएं। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है, बाप बच्चों को समझाते हैं। एक तो कोई को भी दुख नहीं देना है, बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया, किसी को दुख देते हैं गोया अपना ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं कि बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया, बाबा हमारा इसमें मोह है, बहुत रिपोर्ट आती है। फिर उनको समझाया जाता है तुम्हारा अंजाम अर्थात वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा, नष्टो मोहा बनूंगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है। प्यार एक बाप से रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत है जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं, हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहे, यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है। बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, वह तो ऐसे किसी को नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखला ना सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता है, यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ धर्म राज बैठा है। जो बाबा का राइट हैंड है तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो वह कर्मणा हो जाएगा। बाप समझाते हैं कि कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भलाई परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है, ज्ञान से समझाना होता है। ग्रस्त व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी हैं कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है, महिमा करते हैं। कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं, फिर उनके लिए तो कुछ कहो, पवित्र बनना तो अच्छा है ना। यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता है, बहुत मीठा बनना है सबसे। एक बाप को याद करना है, वह है रचियता हम है रचना, वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके। गाते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो जरूर बाप भी होगा ना, ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या। अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो, वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे, गाया भी जाता है प्रजा पिता, इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्टेड होगी, कुख वंशावली तो हो ना सके। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, यह बाजोली तुम खेलते हो, यह चक्र फिरता रहता है, इनको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो,
यह है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं, फिर यह क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो तब हम माने? अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि वह बाप जिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो तब माने। बाप को देखना है तो नोधा भक्ति करो, तो बाबा वह साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो ये समझने की बातें हैं। तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है? अभी तुम देखेंगे कि गली गली में यह रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से एक दो निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है, कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्टो मोह अच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त, कान में मंत्र देते हैं ना, तुम भी किसी को कहते हो शिव बाबा को याद करो, आगे चल, सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। नंबर वार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ, सत्युग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहां दुख का नाम नहीं होता। दीपमाला होती है सत्युग में, दशहरा है संगम युग पर, वहां तो सदैव दीपावली है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है। ऐसे नहीं कि सत्युग में कोई दीपावली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते हैं, नहीं, वहां तो खुशियां मनाते हैं जब कारुनेशन होता है। यह ज्ञान की बातें हैं, हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहां सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है, बाकी तो वहां सब पवित्र ही होते हैं, तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं है। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है, तुम्हारी लड़ाई है ही पुराने दुश्मन रावण से, तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, कल्प पहले मुआफिक हम राजयोग सीख रहे हैं गुप्त। कितनी गुप्त पढ़ाई है, इसको कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही अब लेंगे, उनों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोटों में कोई ही निकलते हैं फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते। माया भी सर्वशक्तिमान है तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती है ना, तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, रजिस्टर सदा ठीक रखना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव।
प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है, जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है पर वृत्ति, में रहने वाले अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है तो पर वृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, किसी में भी लगाव ना हो, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर वन मिलेगा। स्लोगन, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। ओम शांति।